गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद प्रियंका कश्यप। अगर आप अपनी चार्ट एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट आर्ट्स के दौरान जो कुछ भी बनता है वो सब कुछ हम आपको अपडेट कर देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मॉर्निंग में सब इंडेक्सेस के इंपॉर्टेंट लेवल हमने आपको यहाँ पर बता दिए थे, और सेंसेक्स में कल हमने आपको एक इंपॉर्टेंट स्पॉट ट्रेंड लाइन बताई थी कि अगर ये स्पॉट लाइन हमारी यहाँ से ब्रेक हुई तो देन आपको एक यहाँ पर अच्छा मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिला था। और आज जब इस ट्रेंड लाइन का यहाँ से हमें ब्रेक डाउन देखने को मिला तो हमें मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से देखने को मिला था। देन हमने मॉर्निंग में आपको फिर निफ्टी में हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बताया था, बट कहा था कि इसका हाई यहाँ से ब्रेक होना हमारा ज़रूरी है। और जिस तरीके से हमने कल आपको ट्रेड्स बताई थी कि सेंसेक्स में आपको कैसे ट्रेड बनाकर चलनी है, उसी के बेसिस पर आज हमने यहाँ पर अपने कुछ ट्रेड्स को लिया था। देन फिर निफ्टी में हमने आपको इंपॉर्टेंट स्पॉट ट्रेंड लाइन बताई थी। निफ्टी में भी हमने आपको बता दिया था कि ये जो हमारी काफ़ी टाइम से यहाँ पर स्पॉट ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही थी कि मॉर्निंग में अगेन यहीं से हमारा इसका सपोर्ट ले लिया था, और हमने आपको बताया था कि अगर ये ब्रेक हुई तो डाउन साइड आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो सेंसेक्स में भी आप देख सकते हैं कि जो ट्रेंड लाइन मॉर्निंग में हमने आपको भेजी थी उसके ब्रेक होने के बाद 77,000 हमने आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट बताया था, और ये टारगेट आज हमारा यहाँ पर अचीव हुआ है। और उसके बाद की बात करें तो नेक्स्ट सपोर्ट हमने आपको 76,850 हमने आपको बताया था सेंसेक्स का, और ये भी टारगेट आज हमारा यहाँ से अचीव हुआ है। निफ्टी में भी जो हमने आपको ट्रेंड लाइन बताई थी आप देख सकते हैं कि वहाँ से ब्रेक होने के बाद ये 60 पॉइंट यहाँ से डाउन साइड थी, और इन्हीं के बेसिस पर हम आपको यहाँ पर कुछ ट्रेड्स अपनी यहाँ पर देते रहते हैं, क्योंकि सेंसेक्स का और निफ्टी का दोनों का हमारा सेम चार्ट यहाँ पर चलता है। चलिए फिर अब शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की और देखते हैं कि आप यहाँ पर कल को निफ्टी 50 में कैसे ट्रेड करके चलेंगे। अगर आप यहाँ पर निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक मोमेंटम के बाद हमें यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न और दूसरा एक पैटर्न की हमें फॉर्मेशन देखने को मिले है, जिसे हम बियरिश पैटर्न बोलते हैं, और जो कि है हमारा यहाँ पर बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये हमारी कैंडल बनी है डेली टाइम फ्रेम पर, फ्राइडे की कैंडल, इसने प्रीवियस कैंडल को यहाँ पर इनगल्फ किया है, तो ये हमारा यहाँ पर बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न हमारा बना हुआ है। तो अगर यहाँ से इसका 23,400 का हमारा लेवल ब्रेक हो जाता है, बट इसके डाउन साइड यहाँ पर होल्ड होनी ज़रूरी है निफ्टी, तो हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो 23,200 हमारे लिए निकल कर आएगा। और ये सारा का सारा 23,400 से लेकर 23,200, यानी जो ये 200 पॉइंट की हमारे लिए जो रेंज है, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यानी डिमांड जोन का हमारा ये काम करेगी। और जिस दिन ये 23,200 का लेवल हमारा ब्रेक हो गया, देन मार्केट में आपको काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिलेगी, और उसके बाद हमारे लिए जो स्पॉट रहेगा वो हमारे लिए यहाँ पर निकल कर आएगा 22,800 का। तो यानी मार्केट में आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट यहाँ पर आपको नज़र आ सकती है, बट ये पैटर्न हमारा यहाँ से एक्टिव होना चाहिए। और एक्टिव कब होगा? जब इस बियरिश पैटर्न का यहाँ से लो ब्रेक होगा तो ही ये हमारा यहाँ पर एक्टिव होगा। अगर 23,400 से लेकर 23,667 के बीच में ही मार्केट यहाँ पर ओपन होती है और यहीं पर ट्रेड करती है, तो देन आपको मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट होती हुई नज़र आएगी। तो आपको इनके अपसाइड के यानी जो ये रेजिस्टेंस लेवल है 23,667 पर, अगर अगेन आपको बियरिश पैटर्न मिले तो आप यहाँ से सेल साइड पोजीशन बनाएंगे। अगर 23,400 पर आपको कोई बुलिश पैटर्न मिले तो यहाँ से आप अपसाइड के लिए जा सकते हैं। और जब तक इस रेंज के बीच में रहेगी तो मार्केट यहाँ पर आपको सिर्फ कंसोलिडेट होती हुई नज़र आएगी। जब इस कंसोलिडेशन का हमें ब्रेकआउट मिलेगा देन ही मार्केट में हमें एक अच्छे मोमेंटम का पता चलेगा, क्योंकि अगर आप इसकी बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इसके बीच में यानी जो ये दो हमारे लेवल है 23,650 से लेकर 23,400 तक, कितनी कैंडल यानी 1, 2, 3, 4, 5 टू 6 डेज तक मार्केट सिर्फ इसी रेंज के बीच में यहाँ पर ट्रेड कर रही है। तो जब इस रेंज का हमें यहाँ से निफ्टी में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा तो देन हमें एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर मार्केट में दिखेगा। अगर इसके वीकली टाइम फ्रेम के भी चार्ट की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें ये इतना अच्छा यानी अपसाइड मोमेंटम के बाद हमें यहाँ से एक बियरिश पैटर्न नज़र आ रहा है, जो कि इवनिंग स्टार हमारा पैटर्न है। बट वही है कि ये पैटर्न हमारा एक्टिव कब होगा? जब इसका लो ब्रेक होगा। अगर इसका हाई ब्रेक हो गया तो देन यहाँ से निफ्टी में अगेन आपको न्यू हाई लगते हुए नजर आएंगे। तो चलिए फिर अब ये देखते हैं कि कल आप प्रॉफिट बुकिंग करके कहाँ पर चलेंगे, यानी इंट्राडे के हिसाब से आपके लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर सबसे पहले रजिस्टेंस निकल कर आएगा वो 23,490 का रहेगा, उसके बाद 23,000
23,575 का रहेगा, देन 23,667 का, जो कि अभी तक हमारा निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल कर आएंगे। अगर सपोर्ट की बात करें तो 23,000 यहाँ पर 400 का, देन 23,291 का, देन 23,149 का, और उसके बाद 23,056 का। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हमारे सपोर्ट निकल कर आएंगे। और ये इस ट्रेंड लाइन के बारे में भी हमने आपको बताया था कि ट्रेंड लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रही है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो अगेन एंड अगेन निफ्टी ने इसी ट्रेंड लाइन का यहाँ पर सपोर्ट लिया था, बट फ्राइडे को इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से ब्रेक डाउन हमें यहाँ पर देखने को मिला था, और अगेन इसने यहाँ पर 20,000 जो 400 हमने आपको सपोर्ट बताया था यहाँ का, उसने सपोर्ट हमारा लिया था। तो अगर अब फिर से ये लेवल हमारा यहाँ से ब्रेक हो जाता है, क्योंकि फ्राइडे को जो हमारी निफ्टी होल्ड इस ट्रेंड लाइन के डाउन साइड यहाँ पर होल्ड हो चुकी है, तो अगर वो अगेन यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है, यानी 500 से लेकर 400 के बीच में अगर ओपन होती है और अगेन इस 400 के लेवल को ब्रेक करती है, तो आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर है 300 या यानी 100 पॉइंट का अगेन आपको डाउन फॉल यहाँ पर देखने को मिलेगा। वैसे तो इस ट्रेंड लाइन का जो हमारे हमें टारगेट यहाँ पर शो हो रहा है वो 23,150 ही हमारा यहाँ पर निकल कर आएगा। तो आप इस ट्रेंड लाइन पर अपनी नज़र बना के रखिएगा कि डाउन साइड के लिए आपके लिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट है। अगर सपोर्ट पर अगेन आपको यहाँ से कोई बुलिश पैटर्न मिलता है तो आप अगेन यहाँ से अपसाइड के लिए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक आप इस तरीके से अपनी यहाँ पर ट्रेड को बनाकर चलेंगे। अपसाइड के लिए आप कब जाएंगे? जब हमारा अभी तक का जो ऑल टाइम हाई है वो हमारा ब्रेक होगा, देन ही हम यहाँ से अपसाइड के लिए अब जाएंगे। वैसे तो सब कुछ हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करते ही रहेंगे कि मार्केट आर्स के दौरान हमारा क्या बन रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।